गाइज, अगर आप एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। परीक्षा ऐप पे न्यू प्रैक्टिस सेट्स लॉन्च हो चुके हैं, और उससे भी अच्छी चीज़ है कि टॉप 100 कैंडिडेट्स को, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर के डाउनलोड करके और ये कोड डालेंगे ABStudy50, उन्हें 50% का ऑफ मिलेगा। यानी कोई प्रैक्टिस सेट अगर 200 रुपये का है तो वहाँ पर आपको 100 रुपये ही पे करने होंगे। तो जल्दी से जाओ, लाभ उठाओ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप फ्री मॉक टेस्ट देकर के देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एंड देन ही आप लेना। चलिए अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, अभी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं मैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए के एग्जाम से रिलेटेड। और जो बात मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे मैं से, तो वो सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए और सबसे अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे। गाइज, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये जानते हैं कि जो हमारा चैनल है स्टडी विद अभिषेक, इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स इंडियन नेवी के हैं, उसके बाद नंबर आता है इंडियन एयरफोर्स का, एंड देन एनडीए का, बाकी उसके बाद ही नंबर आता है अदर एग्जाम्स के लिए। सबसे ज़्यादा इंडियन नेवी के हैं, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, साथ ही साथ एनडीए के भी कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं। काफ़ी टाइम से कुछ कैंडिडेट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए, खासकर इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, मैं प्रैक्टिस सेट्स करवाऊँ, ठीक है, जिसमें कि रागा का प्रैक्टिस सेट हो और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हो। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि किस तरीके से मैं तीनों को एक साथ ले सकूं, यानी कि नेवी को भी, एयरफोर्स को भी और थोड़ा बहुत एनडीए को भी। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने फैसला किया है कि अब आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टाइप के। कभी मैंने इरर को ले लिया, कभी कुछ और, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले तो वो होगा आपके लिए इंग्लिश का, ठीक है, उसमें इंडियन नेवी को भी कवर करेंगे हम, SSRAA को, एयरफोर्स को भी कवर कर लेंगे, XY ग्रुप को और एनडीए को भी थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फोकस इन दोनों एग्जाम्स पे रहेगा, यानी कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स पे। तो ये 20 क्वेश्चंस का जो सेट है वो मिलेगा। गाइस, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते थे कि मैं अदर जगह से तैयारी कर लूँगा, आप बस GK, GS और बाकी जो फिजिक्स है इन सभी पे ध्यान दो, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ाता था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि पढ़ाना पड़ेगा और आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो अभी आपको 20 क्वेश्चंस का सेट जो है वो मिलेगा और इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पूरे सेट को डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से GK के क्वेश्चंस को करते हैं या फिर GK का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसी प्रकार से, और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर हो, ठीक है। अभी शुरू करेंगे तो मे बी आपको थोड़ा अजीब लगे या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको कुछ कमियाँ दिखें, तो उसको इग्नोर करना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने का। और वैसे भी आपको बता दूँ कि मैं एग्ज़ाम जब भी दिया है, मैंने इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है, तो उस टाइम पर मेरे 18 या फिर 16 इस टाइप से नंबर्स आते थे इंग्लिश में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है इंग्लिश के लिए, उस तरीके से मैं आपको बताऊँ, समझाऊँ, जिससे आपका जो है आगे मार्गदर्शन हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अपना जो भी मेरे पास नॉलेज है उसको देने का। साथ ही साथ अब अगर आप इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने डिसीजन लिया है कि आपको रागा जो है, रागा दूसरे नंबर पर यह रहेगा, रागा जो है, रागा का सेट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये डेली बेसिस पे नहीं मिलेगा, ये मैं बता दूंगा किस तरीके से। जिस दिन रागा का सेट मिलेगा उस दिन जो इंग्लिश है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, ये क्लियर रखना आप लोग अपने दिमाग में। तो आपको रागा भी मिलेगा, इंग्लिश भी आपको मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लेना और रख लेना इस बात को ध्यान में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ आपको बतानी थी, अब आप लोग तैयार रहना, मैं टाइमिंग बता दूंगा। साथ ही साथ अभी मैं जो है बिल्कुल रेगुलर नहीं हूँ, यानी डेली बेसिस पे टाइम पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, लेकिन कल से आपको टाइम पे वीडियोस मिलेंगी, कल से आपको टाइम पे वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। पर्सनल इश्यूज थे कुछ, इस वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आपको टाइम पे वीडियोस मिलेंगी।
बाकी जो भी होगा एग्जाम से रिलेटेड और बाकी कुछ वो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आपको कैसा लगा ये न्यूज ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कोई सुझाव हो कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोई सवाल हो वो भी छोड़ देना कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोगों के पास ये सूचना पहुंच सके, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ या फिर यूं बोलूं कि कल की क्लास के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।